नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव में। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता देंगे पल पल की खबर, मगर सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर जुड़ी है बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर। रेव पार्टी में सांपों की सप्लाई का आरोप लगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव पर नोएडा के सेक्टर 49 में एक मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने का आरोप है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांपों को बरामद किया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के राहुल, तीनुनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के रूप में हुई है। इनमें पूछताछ में बताया है कि वे इनके एल्विश यादव भी उनके शामिल थे। बरामद किए गए सांपों में से 5 कोबरा, 2 मुइया, 1 अजगर और 1 रेड स्नेक सांप शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सांपों के जहर का इस्तेमाल पार्टी में किया जाता था। मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षण संदीप चौधरी का कहना है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एल्विश यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले में एल्विश यादव भी शामिल हैं, जिनके ऊपर जांच की जा रही है। एल्विश यादव के अलावा अन्य आरोपी के खिलाफ वन जीवन निरीक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराएं और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। इस मामले को लेकर अभी एल्विश यादव की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जिनको लेकर पुलिस अब उन पर जांच करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। सुबह सुबह राजधानी दिल्ली की हवा गैस चैम्बर बनी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन कुमार। एयर क्वालिटी पिछले दिनों से काफी खराब चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि 5वीं तक के तमाम जो स्कूल हैं उन्हें बंद किया जाए। और जिस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके प्रदूषण की बात की जाए तो पॉल्यूशन जो है काफी स्थिति से खराब चल रहा है। बता दें कि आज की एयर क्वालिटी जो है 500 से पार चली गई है। तो लगातार आंखों में लोगों को जो निकल रहे हैं घर से बाहर, उनकी आंखों में जलन सी महसूस हो रही है। और साथ ही डॉक्टरों ने भी जो है आदेश दिया है कि जिस तरीके से घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाएं, अपनी आंखों पे चश्मे लगा के लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन उसके बाद भी लगातार एयर पॉल्यूशन की बात की जाए तो एयर पॉल्यूशन जो है काफ़ी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी लगातार अपील की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में भी जो है प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बात की जाए प्राधिकरण की ओर से तो प्राधिकरण ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको जो है रोकने के आदेश भी कंस्ट्रक्शन को दे दिए गए हैं। और साथ जो है पेड़ों पर पानी की बौछार भी लगातार की जा रही है। दिल्ली में जो है लगातार पानी पेड़ों पर पानी छिड़का जा रहा है और जिस तरीके से काफ़ी जहरीली गैस का जो धुआं है ये लोगों की आंखों में काफ़ी जलन करने का महसूस हो रहा है। और साथ ही डॉक्टरों की तरफ से भी अपील की जा रही है घर से निकले मास्क लगाएं, आंखों पे चश्मा लगा के लोग बाहर निकले। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये एयर क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को प्रवर समिति मामले में सुप्रीम ने सुझाव दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। शुरुआत हुई थी उसके कुछ दिनों बाद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। चूंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है और उनको निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद से उनको उनका आवाज खाली करने के लिए भी कहा गया था। चूंकि उनको अपना आवाज खाली नहीं करना था इसके लिए उन्होंने दलील दी थी। और बता दें कि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज नहीं की थी और इसी पे सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि आप जाइए और आप जाके मिलिए सदन के उच्च अधिकारी से और उनसे माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से ये काम जो है वो रफा दफा हो जाएगा। न्यायालय ने साफ तौर पे कहा है कि आप उनको पत्र दीजिए, उसके बाद से माफी मांगिए आमने सामने जाकर, उसके बाद से ये मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। बता दें कि राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का नोटिस भी मिला था जिसकी याचिका उन्होंने कोर्ट में दायर की थी और इसके बाद से अब ये फैसला निकल के सामने आया। अब देखना होगा कि राघव चड्ढा न्यायालय के इस फैसले के साथ है या उनके खिलाफ एक बार फिर से उच्च सदन में दलील देंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुटी दीक्षित, इंडिया। हजारीबाग में 6 महीने से बंद झील की सफाई की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, हजारीबाग के हृदय स्थली कहे जाने वाला
मनोरम झील जो कि पिछले 6 महीनों से झील जलकुंभी भरा था। तो सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो झील को दिखाए कि किस तरीके से जलकुंभी भरा था। और कल से ही 2 करोड़ की लागत से ये बीट हार्वेस्टिंग मशीन से इसकी सफाई की जा रही है, क्योंकि महज 15 दिनों के बाद छठ महापर्व का आगमन हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन काफ़ी आतुर है कि अब 15 दिनों में इसकी सफाई कैसे हो पाएगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है हजारीबाग का हृदय सरी कहे जाने वाला झील सुबह शाम लोग भी टहलने आते हैं। सबकी खुशी उत्साह उमंग आप देख भी रहे थे। वाकई चूँकि मनोरम दृश्य है हजारीबाग का एक झील। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस हजारीबाग। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रयागराज में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोए रिजवी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्यशैली से नाराज किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बाहर एक तरह से ट्रैक्टर मार्च निकाला। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ता प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्यशैली से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि नए नए नियमों के जरिए किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण कहीं नक्शे के नाम पर या इस तरह की तमाम अलग अलग तकनीकी खामियों के नाम पर किसानों को परेशान कर रहा है, और इसी वजह से अब किसान यूनियन के जो नेता हैं वो लामबद्ध हुए हैं। और इसी वजह से आज बड़ी संख्या में विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर ट्रैक्टरों का जुलूस लेकर के वो वहाँ पर पहुँचे और वहीं पर गेट पर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि जो विकास प्राधिकरण है अपनी कार्यशैली को सुधारे। जिस तरह से किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है उससे भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से किसानों को ज़मीन के मामले में परेशान किया जा रहा है, नए नए नियमों का हवाला देकर के उनका शोषण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार पर का भी गंभीर आरोप किसानों ने लगाया है, इन तमाम कमियों को जब तक दूर नहीं करेगा विकास प्राधिकरण वो इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसी वजह से बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता विकास प्राधिकरण के बाहर पहुंचे और उन्होंने ये एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को और उग्र रूप धारण किया जाएगा। केंद्र से जारी नारी शक्ति अधिनियम पर अब सुप्रीम बहस जारी हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने के मकसद से लागू किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अब सुप्रीम बहस शुरू हो गई है। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने का एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए आज इस मामले को 3 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि अब अभी तक ये फिलहाल मामला अब लंबित हो गया है। आपको बता दें कि जया ठाकुर ने याचिका दायर की थी जिसमें इसको जल्द से जल्द 2024 के चुनाव से पहले लागू किए जाने की बात कही थी, लेकिन इसमें परिसीमन की बात सामने आ रही थी और इसे परिसीमन के बाद लागू करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जया ठाकुर ने याचिका लगाई कि परिसीमन से पहले ही इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आज सुनवाई के दौरान इस मामले को अब 3 हफ्ते के लिए टाल दिया गया, जिसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 नवंबर को करेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जारी की गई लगाई गई है याचिका, आगे क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह एक व्यक्ति का शव नाले में बहता हुआ मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। बाहर दिल्ली के नागलोई इलाके में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां नागलोई के एक नाले से युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को जो शव है वो बाहर निकाला। आपको बता दें कि ये जो पीछे नाला है यहीं नाले से आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद यहां पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि
पुलिस की इसमें सबसे बड़ी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली, जहाँ कई घंटों तक पुलिस को लग गए युवक का जो शव है उसको बाहर निकालने में। आलम यह हुआ कि मौके पर जिले के आला अधिकारी भी पहुँचे, यहाँ तक कि जिले के एडिशनल DC भी पहुँचे, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने से बचती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल जो अभी तक जो युवक का शव है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक के गले में पट्टा भी बंधा हुआ था। युवक की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस जो है जो युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और नज़दीक के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सबसे बड़ा इस मामले में अब सवाल ये बनता है कि ये हत्या है या हादसा। फिलहाल जैसा कि कहा कि पुलिस इस कुछ मामले में कुछ भी कहने से अभी बचती हुई नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस मामले को और भी पेचीदा बनाने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि पूरा मामला क्या है, जो कि अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर हादसा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सुल्तानपुर पुलिस ने 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने किराने की दुकान के मालिक पर हमला किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। आखंड नगर पुलिस और SOG की टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें 3 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी कादीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 1 अभियुक्त अभी फरार चल रहा है, उसे आजमगढ़ निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें सारा मामला अखंड नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर 23 अक्टूबर को किराने के दुकान पर बैठे राजेश सिंह कर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मौके का मुआयना किया था और टीम का गठन कर दिया था। उसी क्रम में आज SOG की टीम और अखंड नगर थाना क्षेत्र की टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है और 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में BHU के छात्रा से छेड़खानी का मामला अब राजनीतिक तूले पकड़ने लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। BHU में छात्रा के साथ अश्लीलता और छेड़खानी के गंभीर आरोप के मामले में अब राजनीतिक रूप से इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं इस घटना में, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने ये भी इशारा किया कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो विद्यार्थी परिषद विंग है और RSS उससे जुड़े लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसा उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसी सूचनाएं हैं कि इस तरह की घटना में वो लोग शामिल थे। इस तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से कांग्रेस की तरफ से उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब कांग्रेस तेज़ी से पूरे प्रदेश में अपनी तैयारी 2024 को लेकर के कर रही है। ना सिर्फ कांग्रेस अपनी मजबूत तैयारी कर रही है, उन्होंने इशारे इशारे में समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया और मुस्लिम वोटर्स की तरफ उनकी तरफ से कहा गया है कि ये कांग्रेस के पुराने वोटर हैं। साथ ही साथ आज़म खां से जेल जाकर मिलने के मामले में भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो परेशानी में है, इसलिए उनकी तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन और सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अजय राय जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो लगातार विरोधी पार्टियों पर हमलावर हो रहे हैं और कांग्रेस को नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो ना सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि विरोधी पार्टियों पर और ख़ासतौर से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शोएब रिज़वी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हवा बनती जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली की हवा जानलेवा बनती जा रही है। जी हाँ, दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है।
विशेष तौर पर सुबह सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों के लिए ये हवा बहुत ही चुनौतीपूर्ण बन रही है। खास तौर पर ये हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए किसी जानलेवा हमले से कम नहीं है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे से ऊपर आ चुका है। आपको बता दें कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की बैठक के बाद ग्रैप 3 का सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में MCD के स्कूलों को भी आगामी 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली होती जा रही है। हालांकि शासन और प्रशासन द्वारा इस पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हवा का रुख बदल रहा है वो तमाम शासन और प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि दिल्ली की हवा में किस तरीके से आगे तब्दीली होती है, क्योंकि शासन और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की हवा में कोई कमी नज़र देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल प्रदूषण का आतंक दिल्ली वासियों के लिए एक जानलेवा आतंक बनता जा रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आगरा में मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट रैली का निकाली गई खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर ACP ताज सुरक्षा अरीब अहमद द्वारा मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट की एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आगरा के आई लव सेल्फी पॉइंट से लेकर ताजमहल के दशहरा घाट तक निकाली गई। इस रैली का मेन उद्देश्य था कि महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आगरा पुलिस द्वारा इस रैली को निकाला गया, और इस रैली के अंदर आगरा की ताज सुरक्षा पुलिस और महिला थाना की पुलिस और टूरिस्ट पुलिस और पर्यटन पुलिस और CISF पुलिस और सरोज हैंगआउट कैफे की एसिडेटक सर्वाइवर ने भी भाग लिया है। दरअसल इस रैली का उद्देश्य यही था कि आगरा में आने वाली महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आगरा पुलिस कितनी सतर्क है, जिसके तहत यह रैली को निकाला गया है। आगरा पुलिस द्वारा लगातार महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह के इंतजाम किए जाते हैं वक्त वक्त पर, जिसको लेकर आज भी आगरा के सेल्फी पॉइंट से लेकर ताजमहल के दशहरा घाट तक एक मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट की एक रैली का आयोजन किया गया है, जो कि ताज सुरक्षा ACP अरीब अहमद द्वारा किया गया है। इनका कहना था ACP अरीब अहमद का कि महिला सुरक्षा के लिए यह रैली का आयोजन किया गया है। आगरा से अमन कपूर के साथ मैं आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने दिवाली के त्योहार के मद्देनजर मिलावट को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। इन दिनों देश त्योहारी सीजन में है, और इस सीजन में मावा, पनीर आदि जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं वो उनकी जो खपत है वो बढ़ जाती है, जिसके चलते जो नकली बनाने वाले हैं, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे मावा हो, इसको जो नकली बनाने वाले हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, जिनकी धड़ पकड़ के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हरिद्वार एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके चलते आज तड़के विभाग के द्वारा 4 क्विंटल पनीर यहां पर बरामद किया गया है, जिसको गड्ढे में दबाकर उसको नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने जब गाड़ी के जो ड्राइवर है उससे कागजात मांगे तो वो दिखाने में असफल रहा, जिसके बाद पूरे माल को यहां पर नष्ट किया गया है। विभाग लगातार इस तरह की कार्रवाई यहां पर कर रहा है और धड़पकड़ भी कर रहा है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पुलिस ने चोरों पर बड़ी कार्यवाही की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा के थाना ताजगंज पुलिस और सर्विलांस टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल लगातार आगरा के अंदर छिनैती, लूट, डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद में आगरा CP के आदेश पर एक टीम को डिप्लॉयड किया गया था। टीम के अंदर सर्विलांस टीम और थाना ताजगंज पुलिस को डिप्लॉयड किया था, जिसके बाद आज सर्विलांस और ताजगंज पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 शातिर गैंगों को गिरफ्तार किया गया है। एक गैंग में 3 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे गैंग में 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि दोनों गैंग के अंदर शातिर, हर गैंग में 2 महिलाएं शामिल थी, जिनको भी आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक गैंग के कब्जे से थाना ताजगंज और सर्विलांस टीम ने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और 10,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। दूसरे गैंग की महिला है, घरों के अंदर
रैकी करने के बाद में घटनाओं को अंजाम देती थी और साथ ही ऑटो रिक्शाओं में बैठकर लोगों की जेब को पार कर दिया करती थी, जिसको कि थाना ताजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एसीपी अर्चना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा करते हुए इस घटना का खुलासा किया है। आगरा सीपी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आगरा से अमन कपूर के साथ में आमिर कादरी, इंडिया बॉय। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।